क्लस्टर डेवलपमेंट, क्योंकि जो सेक्शन 79 है, 79 ए है, उसने उन्होंने ये भी बात किया है कि कोई सोसाइटी को अगर जॉइंट रीडेवलपमेंट या क्लस्टर रीडेवलपमेंट में जाना है तो उनको क्या प्रोसेसेस अपनाने हैं। अभी इसमें ऐसे हो सकता है कि सिर्फ दो सोसाइटीज है बाजू बाजू के, उनको साथ में जाना है, या चार सोसाइटीज है या तीन सोसाइटीज है, तो एक सोसाइटी, मोर देन वन सोसाइटी जब साथ में मिलकर रीडेवलपमेंट करना चाहती है फॉर अ बेटर लेआउट, फॉर अ बिगर लेआउट, बेटर एमिनिटीज, तो उनको ये पर्टिकुलर प्रोसेस एक एडिशनल प्रोसेस हो जाता है उनका, कि उनको रिजोल्व करना होता है कि हमें क्लस्टर रीडेवलपमेंट में जाना है। तो उसके लिए भी रेजोल्यूशन उनको एसजीएम में ही लेने हैं। तो अगर आपको क्लस्टर या जॉइंट रीडेवलपमेंट में जाना है, 79 में दे हैव यूज्ड द वर्ड क्लस्टर रीडेवलपमेंट ओनली, तो इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर दैट देन यू हैव टू फॉर्म अ फेडरेशन। मतलब आपका आज आप एक मेंबर हो एंड आप सारे मेंबर्स ने मिला के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, अभी ये सारी सोसाइटीज मिलके एक फेडरेशन बनाएगी, सो इट विल बी अ सोसाइटी ऑफ द सोसाइटीज वैसा। तो उनको एक फेडरेशन फॉर्म करना पड़ेगा सारे सोसाइटीज का, और ये फेडरेशन फिर वो पर्टिकुलर क्लस्टर रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आगे लेके जाएगी। अभी इसमें भी ऐसा है कि आपकी सोसाइटी है, जब आपको रिजोल्व करना है कि आपको वो क्लस्टर रीडेवलपमेंट में जाना है फेडरेशन बना के, तो आपको एक एसजीएम लेना पड़ेगा, जिसमें अगेन कोरम इज 2/3, दैट इज 2/3% ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी प्रेजेंट फॉर द मीटिंग, 67% हो जाता है वो, एंड अगेन टू डिसाइड फॉर द फेडरेशन वेदर इट शुड गो फॉर क्लस्टर रीडेवलपमेंट, तो 51% कंसेंट यहाँ पे चाहिए ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। मतलब हर सोसाइटी का, जितने भी सोसाइटीज है उस फेडरेशन में, हर सोसाइटी का ये मीटिंग होना जरूरी है, और उसमें मिनिमम 51% कंसेंट आना जरूरी है इंडिविजुअली फॉर एवरी सोसाइटी। एंड ये जिन्होंने भी कंसेंट दिया है, तो सारी सोसाइटीज को अपने अपने मेंबर्स से वो रिटर्न कंसेंट कलेक्ट करके फेडरेशन को सबमिट करने होंगे। हाउएवर इसमें एक हिच है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है ऑफ द एंटायर फेडरेशन, मतलब सारे सोसाइटीज के मेंबर्स को अगर हम टोटल करें, तो उसमें हमको जो कंसेंट मिले हैं दैट शुड बी 60%। मतलब फेडरेशन के जितने भी मेंबर्स है, तो उनमें से उसका जो कंसेंट का परसेंटेज है दैट हैज टू बी 60%। सो इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए मिनिमम 50% है, 51% है, बट जब इकट्ठा करेंगे हम सारे कंसेंट, तो वो 60% या ओवर 60% होने चाहिए, तब जाके हम क्लस्टर में जा सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्लस्टर का स्पेसिफाई किया है प्रोसेस। तो दीज आर जस्ट टू मेजर पॉइंट जो ऐड हो जाते हैं हमारे नॉर्मल 79A प्रोसेस में। तो दिस इज द सेम अगर आप सेल्फ रीडेवलपमेंट कर रहे हैं क्लस्टर में, तो भी यही एप्लीकेबल है। अगर आप बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, तो भी यही एप्लीकेबल।